नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 66 समृद्धि केंद्र। 31 लाख किसानों को मिलेगा मुआवजा। गन्ना किसानों के लिए गाइडलाइन जारी। भेड़ पालन के लिए 35,000 की सब्सिडी। और प्राकृतिक खेती के लिए मिल रहे प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 66 समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर किसानों को उर्वरक, बीज, खेती की मशीनें आदि आसानी से मिल सकेंगी। इससे किसानों की लागत और बचत दोनों ही बचेगा। साथ ही इन समृद्धि केंद्रों में खेती किसानी से जुड़ी वस्तुएं किसानों को एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, ड्रोन का कृषि में उपयोग को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 600 पीएम समृद्धि केंद्र खोलने की घोषणा की है। लगभग 3 लाख खाद की दुकानों को कृषि समृद्धि केंद्र में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। झारखंड सरकार ने 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 226 प्रखंडों के राजस्व ग्रामों व इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव टोलों के परिवारों को 3500 रुपए देने की घोषणा की है। इससे राज्य के लगभग 31 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रभावित किसान ये राशि प्राप्त करने के लिए नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या फिर पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विभाग ने किसानों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि गन्ना की SMS पर्ची प्राप्त करने के लिए किसान अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जांच करवा लें, क्योंकि फोन ऑफ रहने या नेटवर्क कवरेज से बाहर होने पर गन्ना पर्ची का SMS अगले 24 घंटे में कैंसिल हो जाएगा। दरअसल कई बार किसान पंजीकरण करते वक्त गलत नंबर दर्ज करवा देते हैं, तो वहीं कुछ किसान कुछ दिन के लिए नंबर बदल लेते हैं। कभी कभी SMS इनबॉक्स फुल रहने पर भी गन्ना की पर्ची रद्द हो सकती है। ऐसे में आप अपने गन्ना पर्यवेक्षक या फिर समिति सचिव से संपर्क कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर 1800-121-3203 पर भी कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन एकीकृत भेड़ विकास परियोजना चला रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, किसान, पशुपालक, स्व सहायता समूह, सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन को भेड़ पालन के लिए अधिकतम 50% की सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत सरकार ने 75,000 रूपये की इकाई लागत तय की है। इस पर अधिकतम 50% यानी कि 35,000 रूपये की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा भेड़ों में बीमारियों का प्रकोप कम करने के लिए विभाग की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाता है। आप अधिक जानकारी के लिए पशुपालन विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना चला रही है। इसके तहत प्राकृतिक खेती करने के लिए 5,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। सरकार योजना के तहत किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग और खाद बनाने के तरीकों की भी जानकारी देगी। किसानों को जागरूक करने के साथ साथ गैप फंडिंग भी की जाएगी। इसके लिए 11 जिलों में 128 क्लस्टर का चयन किया गया है। साथ ही राज्य के 6400 हेक्टेयर रकबे को प्राकृतिक खेती से दोबारा जीवित किया जाएगा। इसमें 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाया गया है। इच्छुक किसान नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।